ओहोई माता की कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि बहुत समय के पहले की बात है, एक गांव में एक साहूकार की पत्नी अपने सात बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। हर साल दीपावली से पहले अपने घर की साफ सफाई, रंगाई पुताई करते थे। एक बार सातों भाभियाँ और नंद जंगल में मिट्टी लेने के लिए गईं, ताकि घर की लिपाई पुताई करते कर सकें। मिट्टी खोदते समय गलती से एक साहू का बच्चा मर गया। साहूकार की बेटी से साहू का बच्चा मर गया। अब स्याहू माता को बहुत क्रोध आ गया। वो नंद से कहने लगी कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। नंद ने सभी भाभियों से कहा कि मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी अपनी नंद से बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी नंद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। कुछ समय बाद जब छोटी बहू के जो भी संतान होती, पैदा होने के सातवें दिन मर जाती थी। इस तरह सातों संतान एक एक करके मरती गईं। साहूकार की छोटी बहू बहुत दुखी हुई। उसने पंडितों से सब उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि गलती से साहू के बच्चे की आपसे हत्या हुई है, इसका आप प्रायश्चित करें और अहोई माता का व्रत रखें और सुरही गाय की सेवा करें। छोटी बहू सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुरही गाय बहुत प्रसन्न हुई और उससे बोली कि बोल तू क्या चाहती है। तब साहूकार की छोटी बहू ने अपनी सारी कथा सुना दी कि कैसे कैसे उसकी संतान का निधन हो जाता है। तब सुरही माता बोली कि अहोई माता तो मेरी सहेली है, चल मैं तुझे उनके पास लेके चलती हूँ। छोटी बहू साहूकार की छोटी बहू और सुरही गाय चलने लगी। रास्ते में वो थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी के अंडे थे। वो एक सांप वहाँ उन्हें डसने आया। छोटी बहू ने देख लिया और सांप को मार दिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने सोचा कि मेरे बच्चों को किसी ने मार डाला है। वह छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है और देखो मैंने तो सांप से उन्हें बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बहुत प्रसन्न हुई और उससे बोली तुम दोनों मेरे पंखों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अहोई माता के पास ले चलती हूँ। गरुड़ पक्षी ने सुरही गाय और छोटी बहू को अपने पंख पर बिठाकर अहोई माता के पास पहुँचा दिया। जब दोनों अहोई माता के पास पहुँच गई तब छोटी बहू ने अहोई माता की बहुत सेवा करी। अहोई माता ने उन्हें प्रसन्न होकर कहा कि तेरे पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहे, तेरे घर पुत्र पोत्रियों से भरा रहे। तब छोटी बहू को बोली कि हे माँ, आपका ये आशीर्वाद मुझे नहीं लग सकता क्योंकि आपने तो मुझे श्राप दिया हुआ है, क्योंकि मेरे से स्याहू के बच्चे मर गए थे तो मेरी कोख तो बंधी हुई है। तब अहोई माता ने कहा कि जा तेरी कोख मैं खोलती हूँ। जब छोटी बहू अपने घर आई तो उसके जो सात बच्चे मरे हुए थे उनको सबको जीवित तो उसने अपने घर में देखा। घर के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने घर में खूब पूरी पकवान बनाए और अहोई माता की पूजा करी। जैसा अहोई माता ने साहूकार की कोख खोली, ऐसी की कोख खोले सभी की संतानों की रक्षा करे। जय अहोई माता की जय हो।